आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है? माइक्रो इवोल्यूशन होता है आपका चेंज। अब ये चेंज किस में होगा? ये चेंज होगा आपका एलील की फ्रीक्वेंसी में। एलील फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है वो क्या होता है? माइक्रो इवोल्यूशन। और ये होता कब है? इट अकर्स ओवर टाइम। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम में होता है और किसके अंदर में देखने को मिलता है? विद इन अ पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ही हमें माइक्रो इवोल्यूशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये ना फोर पर्टिकुलर प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रो इवोल्यूशन। और वो पर्टिकुलर फोर पर्टिकुलर प्रोसेसेस कौन सी है आपकी? सबसे पहली तो होती है आपकी म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अ की फैक्टर फॉर माइक्रो इवोल्यूशन। सेकेंड इज आपका सिलेक्शन, कि सिलेक्शन है वो पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर कैसे किस तरह से हुआ है। थर्ड आपकी जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है जीन फ्लो। और फोर्थ आपका है जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो दीज ऑल फोर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रो इवोल्यूशन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है और उसके रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स या प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है, विद दिस थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।